भोजपुरी में इस सब्जेक्ट पे बहुत कम फिल्में बनी हैं और मेरे ख्याल से सब्जेक्ट तो बहुत पुराना, लेकिन इसको बहुत नए तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से और आज खासकर आज की टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके इस फिल्म को बनाया गया है, जिसके लिए इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर देव पांडे जी, प्रोड्यूसर दीपक शाह जी, दीपक जी के साथ बहुत फिल्में कर चुका हूँ और एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं और देव जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। खासकर उसके बाद जो कास्ट है इस फिल्म की, यश, रानी, प्रियंका, मनोज टाइगर, अवधेश मिश्रा, मेरे ख्याल से कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का और उम्मीद नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यह फिल्म ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग पूरे नॉट ओनली भोजपुरी, हम पूरे इंडियंस लोग ही गीत संगीत के बड़े शौकीन हैं, खासकर हमारे नॉर्थ में तो म्यूज़िक एक बहुत अहम हिस्सा है फिल्म का और इस फिल्म का म्यूज़िक यूट्यूब पे भी सुना है मैंने और एक अलग तरीके का म्यूज़िक है, पर्टिकुलर सिर्फ ऐसा नाग नागिन का म्यूज़िक नहीं है, सबको पसंद आएगा इस तरीके का म्यूज़िक, सारे शेड्स हैं इसमें, रोमांस है और एक मतलब उसका पिक्चराइजेशन भी, जितने अच्छे गाने बने उतना अच्छा है उसका पिक्चराइजेशन है इस फिल्म के गानों का, क्योंकि बहुत सारे मतलब लगभग सारे गाने मैंने देखे हैं तो म्यूज़िक एक बहुत ही मजबूत पक्ष है मेरे ख्याल से इस फिल्म का। सॉरी, मेरे प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सफ़ी आशिक आवारा आई अभी आने वाली है, मेरी शूटिंग करके आया हूँ रामलखन आने वाली है, उसके बाद मुकामा आ रही है, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बम बम बोल रहा है, काशी आ रही है, बहुत सारी बहुत लंबी लाइन है। नमस्कार, हम बानी यश कुमार और इच्छाधारी के बारे में बताएं तो इच्छाधारी फिल्म भोजपुरी के अब तक के जितना भी हम भोजपुरी नहीं की कहत हिंदी फिल्म में भी जितना भी नाग नागिन के ऊपर अभी तक के फिल्म आयल बा दिखले बा, इच्छाधारी डेफिनेटली सबसे अलग है। एक ऐसी कमर्शियल फिल्म है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या भोजपुरी में ऐसी फिल्में बन सकती हैं। लोग कहते हैं भोजपुरी में ये भोजपुरी, हमारी भाषा को अगर नीचे देखने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग होते भी हैं, कुछ ऐसे लोग फिल्में बना जाते हैं जो शर्मिंदगी की वजह होती है, बट कहीं ना कहीं अगर इच्छाधारी को आप देखें तो इच्छाधारी एक अलग जॉनर की एक अलग कमर्शियल फिल्म है जो देखने के बाद से हर दर्शक, चाहे वो उच्च लेवल का हो, मध्यम वर्ग हो या लो वर्ग हो, जो भी हो, सबको इंटरटेन करेगी, मज़ेदार फिल्म है। इसकी खासियत है इस फिल्म के एक्शन सीन, इसकी खासियत है इस फिल्म की कथा पटकथा, इसकी खासियत है इस फिल्म का एक्शन, इसकी खासियत है इस फिल्म के VFX। मेरे ख्याल से भोजपुरी में अब तक की जितनी भी VFX की फिल्में बनी हैं, 10 फिल्मों को मिला दिया जाए तो अकेला इतना बड़ा VFX इस फिल्म में है। इस फिल्म के नाग नागिन आपको अचंभित कर देंगे, शॉक कर देंगे, सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इस तरीके से नाग नागिन भी कर सकते हैं। जैसे बड़ा फनी सा सीन है, नाग रोमांस कर रहा है लड़की के साथ, मतलब अपनी नागिन के साथ, नागिन जो है वो नागिन ना होकर के इंसान के रूप में है, लेकिन नाग नाग है और वो पूरा प्रॉपर रोमांस कर रहा है, किस भी कर रहा है, रोमांस भी कर रहा है, छेड़ भी रहा है, आँख मार रहा है, जीभ चिढ़ा रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो VFX के ज़रिए आप लोग इसमें देखेंगे जो अचंभित करने वाली होगी। संगीत जिन्होंने दिया है उनका नाम है छोटे बाबा, छोटे बाबा इस समय आप भोजपुरी के जब उच्च लेवल के जितने भी म्यूजिशियन हैं, जितने भी संगीतकार हैं, उनमें एक है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हम लोग करीब करीब इसके म्यूजिक पे 3 से 4 महीने बैठे और एक के बाद एक गाना सुनते गए, नहीं पसंद आता था, फिर फाइनली जो पसंद आया वो आप लोगों के सामने है और दर्शकों का बड़ा अच्छा प्यार मिल रहा है इस म्यूज़िक को, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अभी देखिए 10 दिन पहले एक जो गाने डाले गए हैं, 2.5-2.5 लाख व्यूवर्स हैं 10 दिन में, तो ये कह सकते हैं कि भाई म्यूज़िक जो है इसका पसंद किया जा रहा है। हर गाने एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन एक गाना है जो लड़की कहती है, 12 बजे रात के मजा मुलाकात के ए हो राजा गजबे बुझाला, हीरो कहता है गर्मी बुझाला रानी चलना दूताला, गर्मी बुझाला रानी चलना दूताला, तो इस तरीके से बड़े बड़े गाने हैं और एक बड़ा अच्छा एक लोगों को भाव विभोर कर देने वाला गाना है, जिसको माँ के ऊपर है कि माँ पहचान नहीं रही है, चूँकि नाग इच्छाधारी है और भेष बदल के आया है, तो माँ का दिल होता है, एक मिनट में पहचान लेती है कि मेरा बेटा नहीं है।
उसके बावजूद जब माँ को यकीन हो जाता है तो किस तरीके से नाग जो है यकीन दिलाता है, उसके लिए बड़ा अच्छा एक गाना है जिसको मैं दो लाइन बताता हूँ आपको। काहे चिन्हत नहीं खो माए, हम तो हरे हैं परछाई, के तन का छतिया से अपना लगा ले तू ना, माई हमरो कर जवा जुड़ा दे तू ना, माई हमरो कर जवा जुड़ा दे तू ना। तो हर गाने कर्णप्रिय हैं, अपने आप में बड़े अच्छे हैं, अब दर्शकों का प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे अपने यश कुमार।